पास कर ला। विद्या की देवी माँ सरस्वती, ओम माता एवं सबके कष्ट मिटाने वाली गंगे माता, और हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूर्व प्रधानाचार्य महोदय एवं बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, मैं आज इस 15 अगस्त की पावन वेला पर अपना भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कर। मित्रों, विगत वर्षों की भांति आप इस वर्ष भी ये जानते ही हैं कि आज 15 अगस्त है, और ये वही दिन है जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इससे पहले तो हम ब्रिटिश शासन के कब्जे में ही थे। हमारे वतन, हमारी मातृभूमि, हमारे अधिकार सब ब्रिटिश शासन के कब्जे में थे, और आज हम स्वतंत्र हैं। आज का यह दिन लाने के लिए जिन वीरों ने अपनी आहुति इस हवन में डाल दी, उनके लिए मैं सर्वप्रथम सत सत नमन करता हूँ। मैं कहूंगा कि प्यारे भाई और बहनों, अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्त दान करता उसको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने तुमको तो आंखें दी, तुम हमको आंख दिखा बैठे, और हम शांति यज्ञ में लगे रहे, तुम शेर कबूतर खा बैठे, वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, और कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी आ बोल उठे, मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद है, वो है बबूल हम चंदन है, वो है जमात की बहवाली हम सिंहों का अभिनंदन है। भक्ति से ये धरा नहीं डरने वाली, ये सहमर तरामर मत जो ही मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते पकड़े थे, और हम उन बगियादी बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे। तुम भूल गए कारगिल का रंग, इंद्रगिरी पर्वत पर लिखी कहानी की, और इस्लामाबादी गुंडों को जब दीदा याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल बच्चे जैसी अलाप तुम्हारे लगते हैं, और तुम भूल गए हो रिश्ते में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदि है, बेटा पक्का दे आती है, और शायद बेटे की किस्मत में बस बर्बादी ही बर्बादी है, और तेरी बर्बादी से हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माता के सीने पर ये दाग नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो हम खुद बम बन के फट लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक चला देंगे, और जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि गांधी जी की बात अगर नेहरू जी मान लेते तो भारत पाक विभाजन नहीं होता, क्योंकि गांधी जी भारत का पहला पीएम जिन्ना को बनाना चाहते थे, और नेहरू जी उनके खिलाफ थे। तो जब राजनीति में आती है तो तक चढ़ती है कि मैं आगे पहुंचू और मैं आगे पहुंचू। अगर गांधी जी जिन्ना को भारत का पहला पीएम बना देते तो अपने आप नहीं होता बंटवारा, लेकिन गांधी जी ने यह कह दिया था कि मैं कट जाऊं लेकिन भारत को दो भागों में नहीं कटने दूंगा। मैं उनके लिए उस घटना का क्रमबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए दो लाइनें कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। गांधी बाबा, तुमने हमको एक मौन हथियार दिया और दोनों गाल सूझ गए, लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श आपके जिंदा है, बड़े महान हो तुम बाबू, और संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बाबू। अगर आपने चाहा होता तो तुम भी यश ले सकते थे, और देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देख दिन भर चरखा चलाते थे, और देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। अरे आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, और कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले किसी गौडसे का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आरहा रुका नहीं, और सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये साग नहीं छटने दूंगा, अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर
चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, और जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तू ही जिंदा थे। वैसे दरिंदों के हाथों से मैला हुए घिनौने थे, और कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। अरे 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे बोलूं, और देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे बोलूं। अरे कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का अवक्षेप अधर में छोड़ दिया। भाषण में सबसे करवा और कुछ नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान की माटी का अवक्षेप अधर में छोड़ दिया, और बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते, और बंटवारा ही करना था तो ढंग से बंटवारा करते। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने महान राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि हम प्रारंभ से ही जगत में विश्व गुरु के खिताब से पूजे जाते हैं, और अब हम किस तरफ जा रहे हैं इसका भी आकलन हमें करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने पूर्णता के साथ सारे भारत पर राज किया हो। इसके पश्चात ये भारत माता कभी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों को झेलती हुई, तो कभी गजनवी की तलवार को लेती हुई, तो कभी नादिर शाह ने इस भारत माता को रक्त रंजित कर दिया, और हजारों वीर सपूतों को खोने के बाद आज हम खुली हवा में सांस लेने के लिए तत्पर हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये वही भारत है जिसका सपना हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने देखा था। मैं पूछना चाहूंगा कि जिस भारत के अंदर गरीबों को बोलने का हक न दिया जाता हो, और जहां सांप्रदायवाद की राजनीति इतनी बलवती हो गई कि विकास मात्र एक एंटरटेनमेंट का साधन बनकर रह गया हो। मैं कहना चाहूंगा जो टकराते हैं तूफानों से उन्हें, जो टकराते हैं दीवारों से उन्हें तूफान कहते हैं, और जो टकराते हैं चट्टानों से उन्हें तूफान कहते हैं, और जो सताते हैं गरीबों को उन्हें शैतान कहते हैं, और जो करते हैं गरीबों की रक्षा उन्हें भगवान कहते हैं, जो करते हैं गरीबों की रक्षा उन्हें भगवान कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, और शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। सारी घाटी सहम चुकी है आतंकी अंगारों से, और कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, और कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, और हमारे शीश रोज रोज शर्म से झुक जाते हैं, और हमारे शीश रोज रोज शर्म से झुक जाते हैं। बहुत हो चुका नेताओं जो मन तुम्हारे ढलते हैं, और सैनिकों की लातों पे जिगर हमारे पलते हैं। अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, और जो सैनिक पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, जो सैनिक पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। भारत के मुंह पर फिरना ये हिंसा के चांटे होते अगर हमने 16 के बदले 32 सर काटे होते। इतना खून मत छिड़को कि मौसम बागी हो जाए, और सेना को इतना मत रखो कि सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रखो कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भोपें, और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सर सौंपें, और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सर सौंपें। तब जाकर ठंडा होगा जेरंगा या गर्म पानी, और पाकिस्तानी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी जो बर्फ की घाटी में अशुभ हो गया होगा। सितारा टूट कर अंबर में कब का खो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी तो देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पर में रुक सकते थे। आगे बढ़कर हुंकार भरो, और इन आतंकी अड्डों पर तुम बमों की बरसात करो, इन आतंकी अड्डों पर तुम बमों की बरसात करो। हमने वर्दी के पैरों,
सख्त बेड़ियां डाली हैं, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और बेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। इसीलिए तो रोल भेड़िए सम मानव अधिकार कातिलों के हित में तनाते हैं और इसीलिए तो रोल भेड़िए छाती पर तनाते हैं, इसीलिए तो रोल भेड़िए छाती पर तनाते हैं। तुमने 10-10 लाख दिए, तुमने 10-10 लाख दिए उन वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेतों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। एक तथ्य बताना चाहूंगा कि कश्मीर में 22 जिले और उन 22 जिलों में से अलगाववाद और आतंकवाद केवल 3.5 जिलों में है, मात्र 3.5 जिलों में। कहना तो नहीं चाहता पर कहना पड़ेगा कि ये टीवी चैनल वाले अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए 18.5 जिलों की शांति नहीं दिखाते, 3.5 जिलों का आतंकवाद दिखाते हैं, और उन 3.5 जिलों में भी मात्र 15% लोग हैं जो पत्थर उठाते हैं, अलगाववादी नारे लगाते हैं, भारत के झंडे जलाते हैं, 85% लोग हैं वो भी एकदम शांत। हल क्यों नहीं मैं बताता हूं, हमको दूर आंसू नहीं आते हैं, अनहोनी घटना पर थोड़ी सी चर्चा होती है, दूर हुई दुर्घटना पर राजमहल को शर्म नहीं है, घायल होती माटी पर, और भारत मुर्दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर, मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की धरती पर, और कश्मीर के बेटे निर्मासूम है अपनी धरती पर, कश्मीर के बेटे निर्मासूम है अपनी धरती पर, चूहे घाटी से खेल रहे हैं गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नोट टिकी रहती है गैर वतन के जूतों पर, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वे, जुगनुओं को बैसाखी देकर चंदा बना रहे हैं वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, अमरनाथ को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांग लिए है धूमिलपी दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी पुजारों की, क्योंकि ये संकट पुतली है रावण पिंडी वालों की, क्योंकि ये संकट पुतली है रावण पिंडी वालों की, अंत में चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदर का डर नाना संजय सिंहों की खामोशी को, हमको अब भी खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। जिनके दिल में दौड़ की उमड़ी रमजान महीने में, जब सुभमान का अपहरण हुआ था तब रमजान के महीने चल रहे थे, और रमजान के महीने में कोई मासूम का कत्ल कर सकता है वो तो वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। कहना चाहूंगा कि जिनके दिल में दया नहीं उमड़ी रमजान महीने में, हम उनको फर्क नहीं मासूमों के मरने में जीने में, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तो मुंह से बांध लिया होता, 36 के 36 को तो मुंह से बांध लिया होता, और चुनौती दे दी होती, और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को, भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और सिकंडी को, भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और सिकंडी को, डमरू वाला मानव ने तीसरा खोल दिया होता और लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, घर खर्चे भी आए जो भारत के मुद्दा मासिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को, संकट के डर से भारत का गौरव भी जिंदा रहता और हमारा सर दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता, आतंकों के आंधी बादल तूफान सब रुकते दिखते और चंदा तारे भारत माँ के चरणों में झुकते दिखते, चंदा तारे भारत माँ के चरणों में झुकते दिखते। और अब बोल रहा हूँ मौजूदा सरकार के सामने बोल रहा हूँ कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नव के चांद सितारों से, सूरज किरणें कब लेता है नव के चांद सितारों से, द्रौपदी के चीरहरण पर जो चुप रह जाते हैं इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों का परम सत्य है सारा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है, जो खूनी दर्शों को सहने वाला राजवंश होगा या परम भूत होगा या कोई परम हंस होगा, या तो परम भूत होगा या कोई परम हंस होगा, सीमा के दुश्मन से ज्यादा इस संदेश से खतरा है कि सेना में मजहब का रंग पूछने लगे, मजहब का सवाल बांटने लगे, उनको शायद भारत के संस्कार के बारे में जानकारी नहीं होगी, जानते नहीं होंगे वे लोग। मैं कहता हूँ
मैंने नहीं देखी अपनी देवता, मैंने मेरी मुलाकात नहीं हुई भगवान राम से, मैं कभी भगवान कृष्ण से भी नहीं मिला, लेकिन मैं अपने इन देवताओं को जानता हूँ जो हमारी सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। देवता है हमारे, ये किस भारत माता की बेटी है, किस कोख की बेटे हैं, ये बहस करना ये नहीं कहता आज का एनडीए, भारत का संविधान ये नहीं कहता, भारत की संस्कृति ये नहीं कहती। जब संसद पर हमला हुआ था तो अपने सीने पर गोली खाने वालों ने ये महसूस नहीं किया था कि हम किस महजब के लोगों को बचाने जा रहे हैं, बचाने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहते हैं ये हिंदुस्तान अपना प्यारा वतन है, गुलूसों और मोहब्बत का इसमें चलन है, इसी देश में मथुरा और वृंदावन है, और इसी देश में बहती गंगा यमन है, यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, और हम आपस में रहते हैं बनकर के भाई, यहाँ से वहां से वहां से यहाँ से फसादों की आई सदाएं कहां से। अरे कोई ये बताए कि कैसा है रगड़ा, है आपस में किस बात का कहीं ये झगड़ा, ये मंदिर ये मस्जिद ये गुरुद्वारे गिरजा है, महजब अलग फिर भी तुमने ना सोचा, इसी की तो करते हैं हम लोग पूजा, इसे कहिए ईश्वर या कहिए अल्लाह, इसी को ढूंढने खोए हैं तारे, यह एक नाम है इनके इशारे, और जुदा कर हमें जब तो क्या बात सोचो, है तिरंगे अपने लहू का ये देखो, कि उसी इसी देश को आप घनश्याम का देश कहिए, इसी को आप श्याम का देश कहिए, इसी देश में सीता पैदा हुई है और इसी देश में गीता लिखी गई है, और यकीनन नहीं है ये सोने की चिड़िया कि देश अपना प्यारा है सोने की चिड़िया, देश अपना प्यारा है सोने की चिड़िया। और भी कार्यक्रम है तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूँ, धूप हो रही है, धन्यवाद।